नवे साल वाले दिन एक कुड़ी ते एक मुंडा आटो विच मिले ते उन्हां दी आपस विच गलबात हुई। ओह दोवें इकट्ठे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जा रहे सन। यूनिवर्सिटी जाके पता लग्या कि ओह दोवें एक दूजे दे सीनियर अते जूनियर सन अते इक्को विभाग विच पढ़दे सन। फिर उस तो बाद उन्हां दा रोज़ कैंटीन या लैक्चर तो बाद मेल हुंदा रहा। देखते ही देखते जनवरी महीना खत्म हो गया, फिर फरवरी शुरू होया। ते फरवरी का महीना सब तो छोटा महीना हुंदा है, इस तरह यह महीना जल्दी ही खत्म हो जाता है। उसी तरह कई रिश्ते भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। फिर उन्हां दोनों की आपस में गलबात होने लगी ते वह अपने दुख सुख सांझे करन लगे, अपनी रोजाना की रूटीन ते होर गल्लां भी एक दूजे नाल सांझियां करन लगे। ते फिर 7 फरवरी का दिन आया। तो आप जिवें जानते ही हाँ कि यह दिन विदेशों में कपल्स वालों बथेरे मनाए जाते हैं, अजकल यह अपने भारत भी बथेरे मनाए जाते हैं। 7 फरवरी वाले दिन रोज़ डे सी, तां कुड़ी ने मुंडे नूं गुलाब दिता, मुंडे ने गुलाब फड़ लिया। फिर अगले दिन 8 फरवरी वाले दिन प्रपोज डे सी, तां मुंडे ने कुड़ी नूं प्रपोज किया। कुड़ी शर्मा के हॉस्टल चली गई तो उसने कोई भी जवाब ना दिता। 9 फरवरी वाले दिन चॉकलेट डे सी, तां मुंडे ने कुड़ी नूं चॉकलेट दिती, कुड़ी ने चॉकलेट लै लिया। फिर 10 फरवरी वाले दिन टैडी बियर डे सी, तां मुंडे ने टैडी बियर कुड़ी नूं दिता। 11 फरवरी वाले दिन प्रोमिस डे सी, तां उन्होंने एक वादा किया कि वह हर समय एक दूजे के नाल हमेशा रहेंगे। 12 फरवरी नूं हग डे ते 13 नूं किस डे सी, तां दोनों एक दूजे के होर नज़दीक हो गए। आखिर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन कुड़ी ने मुंडे नूं प्रपोज किया, तां मुंडे ने कहा आपां बहुत वधिया दोस्त हाँ, मैं तेनू खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं तेनू प्यार करता हाँ, लेकिन मेरा एक पास्ट है, मैं उन्हों नहीं छड़ सकता, मैं तेरे नाल वधिया दोस्त बन के रहना चाहता हाँ, जिंदगी जीवन की उड़ीकता मैं उस नाल ही करता हाँ, मैं उदी जिंदगी भर उड़ीक करांगा, पर तू मेरे नाल हमेशा दोस्त वधिया दोस्त बन के रह सकती है। फिर वह कुड़ी चली गई, दोस्ती किते नहीं जाती, वह अज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिंदगी का सब तो खास इंसान वह हुंदा है जो तुहानू उदों भी प्यार करे जो तुसी प्यार दे काबिल नहीं हुंदे। मौजूदा हालातों ते नज़र मारीए तो इंसान तरह तरह दीआं बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है। और जिवें तुहाडे दुखां नू मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया, जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। ते हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो नजात दिवाउण लई हाज़र है, फीर लीव पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर कीता जा सकता है, जिवें मर्दाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमजोरी, खून दी कमी अते दिमाग नूं तेज़ करदा है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है, और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। वो नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मर्दाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने, वह हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मर्दाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784 84087।